इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 11 दिसंबर के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। बचपन से ही शतरंज के मोहरों की चाल पहचानने वाले विश्वनाथन आनंद का जन्म आज ही के दिन 1969 में चेन्नई में हुआ था। उन्होंने 2000, 2007, 2008, 2010 और 2012 में शतरंज की विश्व चैंपियन जीती थी। देश दुनिया के इतिहास में 11 दिसंबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में नगर निगम की स्थापना की थी। 1858 में आज ही के दिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और यदुनाथ बोस कलकत्ता विश्वविद्यालय से कला विषय के पहले स्नातक बने थे। हिंदी सिनेमा के हरदिल अजीज अभिनेता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य दिलीप कुमार का जन्म आज ही के दिन 1922 में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। अपने अनुयायियों और आचार्य रजनीश और ओशो के नाम से प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु रजनीश का जन्म आज ही के दिन 1931 में हुआ था। हालांकि उनका वास्तविक नाम चंद्र मोहन जैन था। भारत के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और राष्ट्रपति रहे प्रणव मुखर्जी का जन्म आज ही के दिन 1935 में हुआ था। आज ही के दिन 1936 में अमेरिका की एक तलाकशुदा महिला से विवाह की इच्छा पूरी नहीं होने पर ब्रिटेन के एडवर्ड अष्टम ने स्वेच्छा से तख्तोताज छोड़ दिया था। अपने समय में यूपी के प्रसिद्ध वकील और सामाजिक कार्यकर्ता जगत नारायण मुल्ला का निधन आज ही के दिन 1938 में हुआ था। आज ही के दिन 1941 में जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। इटली के शासक बेनिटो मुसोलिनी ने पहले और उनके बाद जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने ये घोषणा की। 1946 में आज ही के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। आज ही के दिन 1946 में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और पोषण के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध दार्शनिक कृष्णचंद्र भट्टाचार्य का निधन आज ही के दिन 1949 में हुआ था। आज ही के दिन 1960 में बाल विकास में लगी अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के सम्मान में 15 नए पैसे का विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। भारत के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद का जन्म आज ही के दिन 1969 में हुआ था। भारत की प्रसिद्ध महिला धाविकाओं में से एक ज्योतिर्मयी सिकंदर का जन्म आज ही के दिन 1969 में हुआ था। आज ही के दिन 1983 में जनरल H.M. इरशाद ने खुद को बांग्लादेश का राष्ट्रपति घोषित किया था। 1994 में आज ही के दिन रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन ने चेचेन विद्रोहियों पर हमला किया और उनके इलाके में सेना भेजी थी। आज ही के दिन 1998 में हुए 23वें काहिरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में तमिल फिल्म टेररिस्ट में सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए आयशा धारकर को ज्यूरी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2002 में आज ही के दिन स्पेन के नौसैनिकों ने अरब सागर में उत्तर कोरिया के एक जहाज को पकड़ा था। इसमें स्कड मिसाइलें लदी हुई थीं। कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका एवं अभिनेत्री M.S. सुब्बुलक्ष्मी का निधन आज ही के दिन 2004 में हुआ था। आज ही के दिन 2007 में उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच 50 वर्ष बाद रेल सेवा पुनः प्रारंभ हुई थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।